कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरु जी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां शत प्रतिशत सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। जय माता दी। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, अगर वाकई में अपनी किस्मत को बदलते हुए देखना चाहते, अपने जीवन में सुखों का आगमन करना चाहते हैं और एक सही कार्यक्रम से, एक सही मंच से आप लोग जुड़ना चाहते हैं, तो लाइव कार्यक्रम चल रहा है। नंबर्स आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। बस इन्हीं नंबर्स पे आपको संपर्क साधना है। दर्शकों, एक विशेष सूचना आप लोगों को अवश्य देना चाहूंगी। बदल दे किस्मत कार्यक्रम अब आप सुबह 11 बजे ईश्वर टीवी चैनल पर भी देख सकते हैं। अगर इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, लगातार जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, बस इन्हीं नंबर्स पे आपको संपर्क साधना है। तो चलिए आज भी कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे अपने बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है गुरु जी। जी जी, नमस्कार जी, शैलजा जी। जी गुरु जी, बात करना चाहूंगी आज बच्चों को लेकर। हम देख रहे हैं कि आजकल बच्चे जो है वो ना तो अपने माता पिता की सुनते हैं और इतना ज्यादा भटक चुके हैं कि माँ बाप को जवाब देते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल शैलजा जी, स्थिति यहाँ तक आ गई भारत में जी, हमारे भारत देश में वृद्धाश्रम खुलना पड़ रहा है। बिल्कुल है ना। तो हम खास करके बच्चों से कहना चाहेंगे कि आप इस संस्कार को कभी मत भूलें। आपको मैं बता दूं दिल से कि भगवान से भी भर के जगह है वो है माँ बाप का, क्योंकि माँ बाप के कारण से आज हम पृथ्वी पर हैं और माँ बाप ने ही हमें पढ़ा लिखा के इस लायक बनाया है कि आपके हम सामने हैं या आप किसी के सामने होते हैं या किसी कुर्सी पर विराजमान होते हैं। तो इस संस्कार को कभी मत खोना। आज शैलजा जी ने कहा कि आज के टाइम में बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, इसका मुख्य यही कारण है। यही कारण है इतनी शादियाँ टूट रही हैं, यही कारण है इतने बच्चे परेशान हो रखे हैं। धीरे 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 हम लोगों ने अपने संस्कार को खो रखा है। इसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है, अभिभावक की भी गलती है। हम हर अभिभावक चाहते हैं हमारे बच्चे IAS बन जाए, IPS बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे एक अच्छे संस्कारवान भी बने। बस यही समस्या हो रखी है। तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती हो रही है और ख़ास करके मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को मत भूलो। कहते हैं लाल किताब में कि आप वाइन लोगे, शराब पियोगे तो आपका सूद मंदा हो जाएगा, और मैं कहता हूँ कि जिन्होंने माँ बाप का अनादर किया उसके सारे ग्रह मंदा हो जाएंगे। तो बच्चे, हम आपके लिए बोल रहे हैं, बच्चों से निवेदन करेंगे कि आप इस संस्कार को डेवलप करो। दुनिया में माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है, सबसे पहला भगवान तो माँ बाप ही होते हैं, इसके बाद गुरु और भगवान होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखो, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो चलिए गुरु जी, कॉलर्स बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। पहले कॉलर हमारे साथ है पंकज अहमदाबाद से। स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी मैम। जी बताइए। मुझे हाँ जी, हमारे हमारे पति को ना जी Hello? जी यहाँ प्रश्न मत कीजिए। आप जन्म तिथि बताइए उनकी। उनकी जन्म तिथि पता नहीं है, वो कहीं काम धंधा कुछ करते नहीं है, घर में ऐसे रहते हैं उनका। जी जी जी, ये कार्यक्रम जो है जन्म तिथि पर ही चलता है। जन्म तिथि पता नहीं है आपको तो आप किसी अच्छे पामिस्ट से मिलें और पति का हाथ दिखाएं। नाम से नहीं हो पाएगा, एक नाम का हजारों आदमी है, करोड़ों आदमी है। आपके अहमदाबाद गुजरात का नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, तो क्या नरेंद्र नाम का आदमी से प्रधानमंत्री बन जाएगा? तो नाम से कभी नहीं मिलेगा। लोग आपको उल्टा पुल्टा बोल के बेवकूफ़ बना लेंगे, पैसे ठग लेंगे। इसीलिए डेट ऑफ टाइम पता नहीं है तो आप किसी अच्छे पामिस्ट से मिलकर के पति का हाथ दिखाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलर हैं योगेश फिरोजाबाद से। स्वागत है आपका योगेश जी। जी जी बताइए अपनी जन्म तिथि। डेट ऑफ बर्थ लिखिए। हाँ जी, 8/6/90। समय 4:12 AM। जन्म स्थान फिरोजाबाद।
जी लाइन पे रहिए। ये किन का डेट ऑफ बर्थ है? योगेश मोहन का। कौन है आपके? आपके कौन है योगेश जी? बेटे हैं। बेटे हैं। इनकी जन्म पत्री बनाई है आपने? हाँ बनाई हुई है। हाँ बनी हुई है। बनी हुई है। अभी पास में है? हाँ जी। तो आप देखिएगा इनका, हाँ इनका चंद्रमा जो है 8 नंबर में है और आगे पीछे खाली है, अर्थात जहाँ पे 7 नंबर लिखा है वो भी घर खाली है और जहाँ पर 9 नंबर लिखा है वो भी घर खाली है। ये वृषभ लग्न की कुंडली है, राशि इनके वृश्चिक हो रखे हैं। तो दर्शकों सीरीज फॉर्मूला है हमारी गणना की कि जिसकी कुंडली में चंद्रमा के आगे पीछे खाली हो गया उसकी पूरी लाइफ खाली। आप लाख प्रयास कर लोगे, पूजा पाठ करवा लो, फलाना करवा लो, न तो इनको अच्छे जॉब लगने देंगे और न तो इनको शादी होने देगा। कारण कि इनकी जो कुंडली है इनके सप्तम घर से ही बना हुआ है केंद्रम योग। चंद्रमा के आगे पीछे जब खाली होता है तो बन जाता है केंद्रम योग। और यदि इस बच्चे की शादी हो भी गई तो चलने नहीं देगा, शादी टूट जाएगी। जबकि कुंडली में भाग्य स्थान में शनि अपने घर में बैठा हुआ है राहु के साथ। शनि का ही छाया ग्रह राहु होते हैं और शनि अपने घर में भाग्य स्थान में है। कुंडली कहता है कि ऐसे बच्चे मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए, लेकिन परिस्थिति यही हो जाएगी कि हमारे पास BMW कार तो है लेकिन कार में पेट्रोल नहीं, टायर में हवा नहीं, इग्निशन का फ्यूज शॉर्ट, गाड़ी खड़ी। तो आपके बच्चे की कुंडली में यदि आपके बच्चे हैं ये, तो इनका चंद्रमा से बना है केंद्रम योग, चंद्रमा के आगे पीछे खाली पूरी लाइफ को खराब कर देगा। जबकि दिस हॉरोस्कोप इज द कंप्लीट फिट फॉर 99% गवर्नमेंट जॉब। और दर्शकों दूसरी बात, हम आपको जो भी कहते हैं फुल कॉन्फिडेंस से कहते हैं। आप हमारा वेबसाइट खोल करके देखें मेरा, मैंने 2008 में भविष्यवाणी की थी कि मुख्यमंत्री हार जाएगा। पूरे इंडिया में किसी का भविष्यवाणी नहीं मिलेगा आपको ऐसा। मुख्यमंत्री बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा, सब कह देते लेकिन मुख्यमंत्री हार जाएगा मैंने आज तक किसी भविष्यवाणी नहीं देखी है, आप ऑनलाइन चेक कर लो। और मैंने कॉन्फिडेंस से लिखा था कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे झारखंड के, और हार गए। तो कहने का मतलब है कि जब तक हम एस्ट्रोलॉजर हैं हमें कॉन्फिडेंस नहीं, तो आपको क्या कॉन्फिडेंस हम दे पाएंगे। तो हम जो भी कहते हैं आपको फुल्ली कॉन्फिडेंट के साथ कहते हैं, लेकिन थोड़ी समस्या मजबूरी मेरी हो जाती कि 2 मिनट में ज्योतिषी नहीं होता है। आज भी मैंने भी जस्ट एक क्लाइंट का देख करके आया, जब हमारे घड़ी में 9:35 हो गया, मैं कहा भैया मैं चलूँगा अब कल दिखा लेना। उनको एक देखना था, उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी का भी देख लो, मैं कहा सॉरी अब कल दिखा लेना। तो कहने का मतलब होता है कि एक कुंडली को देखने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है, 2 मिनट के लाइव में कभी ज्योतिषी नहीं हो सकती। ये माता रानी का आशीर्वाद है कि मैं कहता हूँ, आप कहते हैं गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा है। और फिर मैं बता दूँ कि किसी भी ज्योतिष से कभी भी किसी को बात करना पड़े, कभी अपनी समस्या भूल कर मत बताना। ज्योतिष वही है जो आपकी समस्याओं को खुद बता दे और वही उपाय कर सकेगा। तो आपके बच्चे की कुंडली बहुत टॉप की है, राजयोग भी बना हुआ है, लेकिन किसी राजयोग का इसको लाभ नहीं होने देगा। कुंडली कह रहा है मिट्टी छूले सोना हो जाए, केंद्रम जो कह रहा है सोना छूले मिट्टी हो जाए। आपको सोचना है करना क्या है। कुंडली बनने से नहीं होता, कुंडली के प्रॉब्लम को निकालने से होता है। और एक व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली होता है, आप खोल के देख लेंगे कि क्या 24 कुंडली है, बिल्कुल नहीं होगा। और इनकी जो मुख्य लग्न कुंडली है वहीं से केंद्रम जो बन के 7वां घर से, वृश्चिक राशि चंद्रमा नीच का, लूज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लूज ऑफ कॉन्फिडेंस, और ऐसे बच्चे डालिमा में रहेंगे। आप उपाय नहीं करोगे धीरे धीरे चल जाएंगे डिप्रेशन में। तो आप एक अच्छे ज्योतिष से मिलकर के पूरी 24 कुंडली बनवाएं, जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम है उसको समाधान कराएं। आपके बच्चे को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब देगा। जबकि देखिए कितनी संयोग की बात है कि वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र की महादशा किस्मत वाले को मिलता है, मतलब लग्नेश का दशा। इस बच्चे का मई 2013 से जिंदगी का टॉप टाइम जा रहा है, इनकी जिंदगी का 6.5 साल टॉप टाइम निकल गया, और तब भी आपको फ़ोन करना पड़ा। फ़ोन करने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं समस्या है, तब तो आपने फ़ोन किया। व्यक्ति बीमार है तब तो डॉक्टर के यहाँ जा रहा है। तो जब अच्छे दशा में जब समस्या है तो बुरा दशा में क्या करेगा, इसको परेशान कर देगा। तब एक कच्चे ज्योतिष से मिल करके इसकी पूरी 24 कुंडली बनवा करके जो प्रॉब्लम है समाधान करवाएं, ये बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, बिल्कुल डन हो जाएगा। उपाय नहीं करेंगे तो करियर मैरिज दोनों का दोनों गोल बता रहा है। जी सहमत हैं आप गुरुजी की बात से? जी सहमत है, सहमत। चलिए अगर आप सहमत हैं तो जल्द से जल्द आपको करना क्या है, एक सफल ज्योतिषी का आपको परामर्श लेना है। बाकी समस्त डिटेल्स आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलर हैं हमारे साथ सुमन जी दिल्ली से। स्वागत है सुमन जी आपका, जय माता दी। जय माता दी।
जय माता दी जी। बताइए किसके बारे में जानना चाहती हैं? अपने अपने बेटे के बारे में जानना चाह रही थी। उनका नाम बताइए। अमित, अमित मेहरा जी। जन्म तिथि? 3/5/1997। समय? 8:20 सुबह का। जन्म स्थान? जी। जन्म स्थान? दिल्ली। क्या नाम है बच्चे? अमित। अमित, आपने कुंडली बनाई है अमित की? हाँ जी, बनवाई है, कुछ ऐसी है बनवाई, कंप्यूटर से ही बनवाई। मिथुन लगन की कुंडली है, राशि जो है इनके कुंभ राशि है। सवाल कंप्यूटर से कुंडली बनने का नहीं होता है, सवाल होता है जब चार्ट बनता है उसके प्रॉब्लम को निकालने का। कंप्यूटर कभी भी एनालिसिस नहीं करता, उसकी जो एनालिसिस होती है वो कॉमन एनालिसिस होती है। एनालिसिस एक अच्छे ज्योतिषी कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या समस्या है, और कंप्यूटर से चार कुंडली भी निकलता है और 24 कुंडली भी निकलता है, जो 24 कुंडली लोग निकालते ही नहीं है। तो आपके बच्चे की कुंडली मिथुन लगन की बनी है, राशि कुंभ। सबसे पहले ऐसे बच्चे थोड़े जिद्दी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। मिथुन लगन में भाग्य का मालिक जो शनि है 10th हाउस में बैठा हुआ है केतु के साथ, जो डायरेक्ट कह रहा है कि ऐसे बच्चे को गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए। अर्थात इस कुंडली में इतनी अच्छी पोजीशन कारण इनका सूर्य भी उच्च का बैठा हुआ है बुध शुक्र के साथ, बहुत टॉप राजयोग। ऐसे बच्चे यूपीएससी करे तो वहाँ भी डन हो जाएगा, क्लियर। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ? सबसे पहले दर्शकों, मैंने कई बार कहा है कि कुंडली के जो 12 घर होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट घर जो होता है वो 8वां घर होता है। 8वां घर इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि 8वां घर जो 8th हाउस है उस घर से हम आयु देखते हैं कि किस व्यक्ति का क्या आयु है, उसकी कैसे मृत्यु होगी, क्या स्थिति बनेगा। और आपके बच्चे की कुंडली में 8ष्टम घर में गुरु नीच का बैठा हुआ है। 8ष्टम घर में चंद्रमा को गुरु को रहना बिल्कुल अशुभ माना जाता है, और ऊपर से इनके गुरु जो है नीच के होके बैठे हुए हैं। तो आप सावधान हो जाएं, मैं किसी को डराने का बात नहीं करता, हम आपको सावधान करने का बात करते हैं कि आपके बच्चे को कभी भी झटका दे देगा, आप फंस जाओगे। दर्शकों, मैंने अभी तक 19,680 कुंडली देखा है, मैंने देखा है 2010 की बात बता रहे हैं, मैं उसमें झारखंड के जमशेदपुर में था, किसी व्यक्ति ने कुंडली दिखाने के लिए आया था, मैंने कहा आपका बच्चा फंसा हुआ किसी लड़की चक्कर में, आप जल्दी जाओ। और उस टाइम वो बच्चा जो है बेंगलोर में पढ़ रहा था, और आज उसके मम्मी पापा दिल्ली में ही है। किसी को प्रूफ लेना है आना कागज में पूछवा दूंगा, और वो बात नहीं माना, 2-3 महीना लेट हो गया और बच्चा जो है फांसी पर झूल गया पंखे में आराम से। तो हम किसी की जिंदगी को दे नहीं सकते, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम किसी के अशुभता को कम कर सकते हैं और शुभता में गति दे सकते हैं। ज्योतिष क्या है? आपको एक छाता की तरह काम करता है, पानी पड़ता है छाता लगाते हैं, कम भींगते हैं लेकिन भींगते हैं। उसी तरह से ज्योतिषी का ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा, कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इनकी आयु पर जो खतरा तलवार लटका हुआ है इसकी क्लियरिटी तभी होगी जबकि आप मिल करके पूरी 24 कुंडली बनवाएंगे, सारा डिटेल देखा जाए कहाँ कहाँ क्या हो रखा है। नहीं तो इस कुंडली में इनकी गुरु जो है अष्टम घर में नीच का होने कारण से इनकी आयु को पूर्ण आयु में कहीं ना कहीं बाधक बन रखा है, जबकि कुंडली में इनको राजयोग बहुत सुंदर बना हुआ है। जस्ट बगल में एक नमास कुंडली है, नमास कुंडली की ओर जाते हैं, यहाँ गुरु केतु का चंडाल योग बना है और नमास में बना हुआ है चंद्रमा के आगे पीछे खाली। चंद्रमा के आगे पीछे खाली का मतलब होता है कि पूरी लाइफ को खाली कर देता है। 10th हाउस में शनि का रहना, मिथुन लगन की कुंडली में 10th हाउस में शनि हो वो भी केतु के साथ, तो बहुत टॉप जॉब बन गया A1 का। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि दशा क्या जा रखा है, दशा क्यों जाते हैं तो बस वही हाल हो गया। अभी मैंने किसी को बताया था शुक्र की माता जा रहा है, तो आपके बच्चे का दशा जा रहा है शनि का। मिथुन लगन की कुंडली में शनि भाग्य का मालिक होता है जो बैठा है 10th हाउस में अर्थात जॉब के घर में, तो बहुत टॉप टाइम जा रहा है। आपके बच्चे का जो स्थिति है मैं देख रहा हूँ इस कुंडली में कि 2002 से मतलब 19 साल का दशा ही होता है, 17 साल तो इसने खो दिया। अब इनको दशा शुरू होगा 21 सितंबर से बुध का, और बुध की दशा भी इस कुंडली के लिए बहुत टॉप रहेगा। यदि आपने उपाय नहीं किया इसी तरह से आप ज्योतिष से बात करते रहेंगे और इनको अच्छे समय निकलते जाएंगे, बच्चे तैयारी करते रहेंगे, लटकते जाएंगे। सिर्फ ज्योतिष से बात करने से समाधान नहीं होता दर्शकों, जब तक आप मिलेंगे कभी समाधान नहीं होता। ज्योतिषी, डॉक्टरी और वकालत, ये तीन प्रोफेशन जो है पब्लिक कंसर्निंग का है। जब तक आप हॉस्पिटल जाओगे ना इलाज नहीं होगा, जब तक कोर्ट कचहरी जाओगे ना वकील के पास केस नहीं लड़ा जाएगा, जब तक ज्योतिष पास नहीं जाओगे उपाय नहीं होगा।
अब लोग कहेंगे गुरु जी फिर आप लाइव क्यों देते हैं, तो हम आपके सामने इसीलिए आते हैं कि मेरा प्रयास होता है कि आपके समस्याओं को हम खुद निकाल दें। आज ही किसी ने फोन करके बोल दिया, गुरु जी के आपके अपने कॉल होते हैं क्या, आपका अपना बंदा होता है क्या, सब लोग कहते हैं हाँ संतुष्ट हैं। तो दर्शकों ध्यान रखना, यदि मुझे ऐसा करना होता मैं आपको कतई नहीं कहता कि किसी ज्योतिष को भी समस्या मत बताना, और आपको टेस्ट करना है आके मेरे कार्यालय में कर लेना, मैं किसी का कभी फेक कॉल नहीं लेता। हमारे पास ऐसे ऐसे व्यक्ति है ना, कहते गुरु जी मैं आपको फीस दे दूंगा मेरा कॉल लगवा देना, मैं कहता कभी नहीं संभव है, आप कॉल लगाओ जिस दिन लग जाएगी बात हो जाएगी। तो आपके बच्चे की कुंडली बहुत टॉप की है, लेकिन इनकी जो परिस्थिति बनता है आयु में बाधा और करियर में और इनका विवाह में, ये तीनों में बाधा बना हुआ है, जबकि इनकी टाइम बहुत टॉप का जा रहा है और टॉप टाइम चलने के बावजूद लाभ नहीं मिल रहा है। तो आप मिलकर के पूरी 24 कुंडली बनवा लें, इसका उपाय करवा लें, बच्चे का लाइफ भी सेट हो जाएगा और इनकी शादी भी होगी। जी सुमन जी, सहमत हैं आप गुरुजी की बात से? हाँ हाँ जी हाँ जी। देखिए आप सहमत हैं गुरुजी की बात से तो आपको करना क्या है, आपके बच्चे का भविष्य है उसे उज्जवल बनाना चाहती हैं, और जो महत्वपूर्ण बातें गुरुजी ने आपको बताई हैं उन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, और जल्द से जल्द आपको एक सफल ज्योतिषी का परामर्श लेना है जहां पे आपको अपनी परेशानी बताने की भी आवश्यकता बिल्कुल ना पड़े। बाकी समस्त डिटेल्स आपके सामने लगातार फ्लैश की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ किरण जी गाजियाबाद से, स्वागत है आपका किरण जी। जय माता दी। जय माता दी पंडित जी। जी आशीर्वाद जी। जी हेलो। हाँ जय माता दी बोलिए। हाँ जी पंडित जी, मेरे मैं वो पुत्र के विषय में जानना चाहती हूँ। मेरे पुत्र का जन्म 17 मई 2011 सुबह 10:04 ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ है गाजियाबाद में। जी जी। टाइम क्या है शैला जी? 10:04 सुबह के 10:04 सुबह के 4 मिनट। आपके बेटे का नाम? मेरे बेटे का नाम है नीतीश। नीतीश जी। कर्क लगन है तुला राशि, इनकी कुंडली बनी है? हाँ जी कुंडली बनी हुई है। हाँ, इनका नाम होना चाहिए तो अक्षर से, आपने नीतीश रखा है ना, बच्चे अभी छोटे हाँ हैं, 8 साल हुआ है, आप अभी भी नाम चेंज कर सकते हैं। इनका नाम आप नाम रख दें तो अक्षर से कोई भी, ये कुंडली बहुत टॉप की कुंडली है। इनके दशम घर में, चूंकि बच्चे का सबसे पहले हम तो कैरियर भी देखेंगे, कैरियर एज और हेल्थ ये तीन चीज मस्ट होता है, तो इस बच्चे का हम कुंडली देखते हैं, कर्क लगन की कुंडली है, और इनके दशम घर में मंगल अपने घर में है बुध शुक्र गुरु के साथ, तो बहुत ही सुंदर राजयोग बना दिया है, इतने अच्छे राजयोग बना दिया है कि इस कुंडली में 99% चांस है कि ऐसे बच्चे आगे जाके चले जाएंगे मेडिकल लाइन में, वो MBBS करेंगे, MBBS करके MS करेंगे और ये सर्जन बन जाएंगे। लेकिन इनके साथ समस्या भी है, वो समस्या क्या है आप देखेंगे कुंडली में, किनके पंचम घर में जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे राहु बैठा हुआ है, तो कुंडली कहेगा कि जैसे जैसे ऐसे बच्चे का एज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इनको स्टडी से ध्यान हटते जाएगा। जब किसी घर में राहु नीच का हो जाए तो उस घर को खराब कर देता है, राहु ही नहीं कोई भी ग्रह जब नीच का हो जाता है तो नीच का फल देगा, तो इनके शिक्षा को ही चौपट कर देगा। और इनके जो द्वितीय घर का मालिक सूर्य है, सूर्य केतु के साथ बैठ करके लगा दिया ग्रहण, जो तो सेकेंड हाउस से क्या देखते हैं प्राइमरी शिक्षा, और फिफ्थ हाउस से देखते हायर शिक्षा, जिनके प्राइमरी शिक्षा में बाधा है और हायर शिक्षा में बाधा है। तो आप क्या करें, इनकी कुंडली का जो जो प्रॉब्लम निकल रखा है उसको उपाय करवा लें। इनको नमाज में भी पाप कर्तरी योग बना हुआ है, लेकिन इस बच्चे का जो करियर जाएगा वो 90% चांस है वो मेडिकल लाइन में जाएगा, अर्थात ये MBBS MS की कुंडली है। जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आखिर दशा क्या जा रहा है, तो दशा की ओर जाते हैं, तो दशा इनके चल रखे हैं अभी जो वर्तमान दशा को मैं देखूं, जिनका समय जा रहा है शनि में शनि का, तो 22 जुलाई 2017 से इनको मार्केश की दशा शुरू हो गई, मार्केश मतलब एक्सीडेंटल, तो आप सावधान हो जाएं, कोई भी दुर्घटना इनके साथ में हो सकता है, तो जितना जल्द से जल्द हो पूरी कुंडली बनवा करके इनको महामृत्युंजय का जाप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्क लगन की कुंडली में मार्केश शनि होता तो जीवन में एक ही बार आता है, और इनको 17 जुलाई से स्टार्ट हो रखा है और ये 20 जुलाई तक रहेगा, तो इसकी सूक्ष्म गणना करने के लिए आपको मिलना अति आवश्यक है। जी सहमत है आप गुरुजी की बात से? चलिए लगता है आपसे संपर्क हमारा टूट गया है, तो उपाय करवाइएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दर्शकों आप लोग अब सुबह 11 बजे भी लाइव कार्यक्रम में बदल दे किस्मत में जुड़ सकते हैं, तो सुबह आप लोग अवश्य हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जिन कॉलर्स का कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाया है 9 से 10 के बीच भी आप लोग गुरुजी से बात कर सकते हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहाँ पे विराम देने का। गुरुजी आपने अपना कीमती समय में दिया। जय माता दी। नमस्कार जी। नमस्कार। शुभ रात्रि। जय माता दी।
क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं? चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी, परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रूपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रूपए, अकाउंट नंबर SBI बैंक 3364257906, IFSC कोड SBIN00160090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, Facebook आचार्य शिवानंद, WhatsApp नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।